हे गाइस वेलकम बैक। तो दोस्तों आज के वीडियो के अंदर हमारे बीटीसी डोमिनेंस इथेरियम मैटिक एक्सआरपी ईएनएस बीएनबी सोलाना के चार्ट को डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो आपके जो भी डाउट है हम यहां पर क्लियर करेंगे, लेकिन अगर चैनल पहली बार है तो दोस्तों अभी के अभी इस वीडियो को लाइक करके साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि जो हमारे सब्सक्राइबर है रियल में काफी अच्छा खासा प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं। जैसे कि कल की डेट में हमने डायरेक्टली बोल के रखा था कि बिटकॉइन में आपको डाउनफॉल देखने मिलेगा, उससे पहले भी हमने 2-3 डेज अगो डायरेक्टली बोल के रखा था कि बिटकॉइन में 20.4 के से रिजेक्शन देखने मिल सकता है। तो हमारे अपडेट के बाद में आप देख सकते हो बिटकॉइन का प्राइस 20.4 के से अभी 18.9 के पास में देख मिल रहा है। दोस्तों हमारे अपडेट के बाद में कल की डेट के अंदर भी हमने डायरेक्टली मेंशन करके रखा था कि आपको लॉन्ग के लिए एंट्री नहीं लगाना है, आपको एंट्री के लिए वेट करना है। एंड इवन दो आप यहाँ पर देख सकते हो हमारे ट्विटर हैंडल में, दोस्तों हमारे ट्विटर हैंडल के अंदर भी हमने यहाँ पर डायरेक्टली मेंशन करके रखा था, आप देख सकते हो बिटकॉइन डंप। दोस्तों आप देख सकते हो बिटकॉइन विल डंप मोर, अब भी आप देख सकते हो बिटकॉइन के प्राइस में आपको काफी अच्छा खासा डाउनफॉल देख मिल रहा है। एंड इवन दो प्रूफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल देख सकते हो, दोस्तों हमने डायरेक्टली मेंशन करके रखा था डोंट डू हरी फॉर एंट्री एंड बी केयरफुल इफ यू आर इन लॉन्ग ट्रेड। एंड उससे पहले जब बिटकॉइन का प्राइस 19,400 के पास में 19,500 के पास में चल रहा था, उसी टाइम पर भी हमने मेंशन करके रखा था कि जो हमारी कैंडल बार बार में हमारे ट्रेंड लाइन को हिट कर रही है, तो इस तरह से आपको डाउनफॉल देख मिल सकता है। तो दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हो हमने यहाँ पे मेंशन करके रखा है वी मे सी मोर डाउनफॉल। तो इस तरह से जो हमारे सब्सक्राइबर रियल में काफी अच्छा खासा प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं। तो गाइस सिंपल सी बात है, अगर आपको हमारा अपडेट अच्छा लगता है तो अभी के अभी इस वीडियो को लाइक करना, क्योंकि आपके एक लाइक से हमें काफी अच्छा खासा मोटिवेशन मिलता है। तो दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हो इस टाइम पर हमने बिटकॉइन का लाइव चार्ट ओपन किया 4:04 के चार्ट में, कल की डेट के अंदर भी हमने आपके साथ में सेम चार्ट डिस्कस किया था। तो अगर आपको किसी भी अल्टकॉइन में एंट्री बना के रखना है तो हमारे पास सपोर्ट जोन होगा 18.5 के पास में। गाइस हमारे यहाँ पर सपोर्ट जोन होगा 18.5 के पास में, उसके बाद वर्स्ट केस सिनेरियो में आपको 17,000 के पास में एंट्री बना के रखना, क्योंकि हमने 2 दिन पहले डायरेक्टली मेंशन करके रखा था कि जो हमारा इन्वर्टेड फ्लैग पैटर्न है, जैसे ही हमारे यहाँ पर ब्रेकडाउन होता है, ब्रेकडाउन के बाद में जितनी हमारी पोल की डिस्टेंस होती है उतनी डिस्टेंस तक आपको वर्स्ट केस सिनेरियो में आपको प्राइस देख मिलता है। तो फर्स्ट एंट्री आपको बना के रखना जब हमारा बिटकॉइन का प्राइस 18.5 के तक आता है, 18.6 के तक आता है, फिर फाइनली आपको डी से करना 17,000 के पास में। गाइस हो सकता है कि बिटकॉइन का प्राइस एक्जेक्टली 17,000 तक नहीं जाए, लेकिन फिर भी आपको पार्ट में एंट्री बना के रखना। फर्स्ट एंट्री अभी आप यहाँ पर 18,500 के पास से बना सकते हो, उसके बाद में 17,000 के पास में। एंड जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो डोमिनेंस के चार्ट को, दोस्तों अभी आप यहाँ पर देख सकते हो बीटीसी डोमिनेंस को 41.5 के पास में हमारे यहाँ पर मेजर रेजिस्टेंस है, उसके बाद में 41.81 के पास में जो आपको हमारे यहाँ पर येलो ट्रेंड दिखाई दे रही है, हो सकता है कि इसको रिजेक्शन दे। तो गाइस अगर आपको किसी भी अल्टकॉइन में एंट्री बना के रखना है तो आपको बीटीसी के साथ साथ में बीटीसी डोमिनेंस को फॉलो करना है, क्योंकि अगर हमारा बिटकॉइन यहाँ से नीचे आता है, अगर आपको बीटीसी डोमिनेंस में राइज देख मिलता है, तो हो सकता है कि अल्टकॉइन में आपको और भी ज्यादा डाउनफॉल देख मिले। जैसे कि दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हो हमारा अभी रेजिस्टेंस है 41.5 के पास है, तो अगर हमारे कैंडल अगर इसको ब्रेक करने के बाद में आपको 41.8 के तक देखो मिलती है, तो उसके बाद में हो सकता है कि आपको अल्टकॉइन में और भी ज्यादा डाउनफॉल देखने मिले। तो इस तरह से आपको अल्टकॉइन में नीचे पार्ट में एंट्री बना के रखना है। गाइस वेरी स्मॉल अमाउंट में अभी आप यहाँ पर करंट प्राइस बना के रख सकते हो, उसके बाद में आपको नीचे पार्ट में एंट्री बना के रखना है। एंड आप यहाँ पर देख सकते हो मिट्टी के चार्ट को, दोस्तों इस टाइम पर हमने मिट्टी का लाइव चार्ट ओपन किया 4:04 के चार्ट में, एक्जेक्टली मिट्टी को हमारा सपोर्ट जोन है 0.788 के पास में, 0.79 के पास में। तो दोस्तों अगर अभी आपको मेट्रिक में एंट्री बना के रखना है तो वेरी स्मॉल अमाउंट में अभी आपको करंट प्राइस में बना के रखना है 0.78 के पास में, 0.79 के पास में, उसके बाद में आपको 0.76 के पास में स्मॉल अमाउंट में डीसीए करना है, फिर फाइनली आपको बिटकॉइन को फॉलो करते हुए बीटीसी डोमिनेंस को फॉलो करते हुए वो डीसीए करना है। वेरी स्मॉल अमाउंट में अभी आप यहाँ पर 0.78 के पास में, 0.79 के पास में बना सकते हो, उसके बाद में आपको 0.76 के पास में हमारा माइनस सपोर्ट जोन दिखाई देगा, उसके अकॉर्डिंग आपको डीसीए करना है। फिर फाइनली आपको थर्ड एंट्री बिटकॉइन के अकॉर्डिंग आपको बना के रखना है, वर्स्ट केस सिनेरियो में जब हमारा बिटकॉइन का प्राइस 17,000 तक जाता है तो आपको मेजर एंट्री बना के रखना है। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो एक्सआरपी के चार्ट को, दोस्तों इस टाइम पर हमने एक्सआरपी का लाइव चार्ट ओपन किया 4:04 के चार्ट में, एक्सआरपी को हमारा टेक्निकल सपोर्ट है 0.47 के पास में, क्योंकि दोस्तों 0.47 के पास में जो हमारे यहाँ पर येलो ट्रेंड दिखाई दे रही है सपोर्ट काम करते हुए दिखाई देगी। तो इस तरह से आपको फर्स्ट एंट्री एक्सआरपी के अंदर 0.47 के पास बना के रखना है। गाइस आप यहाँ पर देख सकते हो पास्ट के अंदर जो हमारी कैंडल होती है यहाँ पर सपोर्ट लेते हैं, उसके बाद में आपको काफी अच्छा खासा बाउंस बैक देख मिलता है। अगेन सेकेंड टाइम यहाँ पर सपोर्ट लेते हैं, उसके बाद में आपको काफी अच्छा खासा बाउंस बैक देख मिलता है। अगेन आप यहाँ पर देख सकते हो थर्ड टाइम यहाँ पर सपोर्ट लेते हैं, उसके बाद में आपको काफी अच्छा खासा बाउंस बैक देख मिलता है। अगेन दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हो जो हमारा एक्सआरपी है
हो सकता है कि 0.47 के पास में यहाँ पर सपोर्ट लेने का ट्राई करे। तो इसके अकॉर्डिंग आपको XRP के अंदर फर्स्ट एंट्री 0.47 के पास में बनाकर रखना है, उसके बाद में आपको DCA करना है बिटकॉइन के अकॉर्डिंग। एज वेरी स्मॉल अमाउंट में अभी आपको 0.47 के पास में बनाकर रखना है, उसके बाद में सेकेंड एंट्री बिटकॉइन के अकॉर्डिंग आपको जब हमारा बिटकॉइन का प्राइस 18,500 तक देखो मिलता है या 18,500 से नीचे देखो मिलता है, तो आपको DCA करना है बिटकॉइन को फॉलो करते हुए। तो गाइस आप यहाँ पर देख सकते हो, इस टाइम पर हमने ENS का लाइट ओपन किया वनडे के चार्ट में। एक्जेक्टली वनडे के चार्ट में आपको हमारे यहाँ पर सपोर्ट जोन दिखाई देगा 16 के पास में। इसके जस्ट नीचे आपको हमारे यहाँ पर ट्रेंड लाइन दिखाई दे रही है जो कि सपोर्ट काम करते हुए दिखाई दे रही है। तो अगर आपको यहाँ पर ENS का एंट्री बना के रखना है, तो फर्स्ट एंट्री आप यहाँ पर 16.07 के पास है, 16 के पास है बना के रख सकते हो। उसके बाद में 14.5 के पास में आपको सेकेंड एंट्री बना के रखना है। दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हो, जो हमारा ENS है पहले असेंडिंग ट्रायंगल को यहाँ पर फॉलो कर रहा था, फिर फाइनली आपको ब्रेकआउट देखो मिलता है। ब्रेकआउट के बाद में अभी हमारे यहाँ पर सपोर्ट को रिटेस्ट कर रहे हैं। तो अगर आपको यहाँ पर ENS में एंट्री बना के रखना है, तो फर्स्ट एंट्री आप यहाँ पर 16 के पास से बना के रख सकते हो। उसके बाद में 14.5 के पास में, 14.6 के पास में आपको सेकंड एंट्री बना के रखना है, क्योंकि अगर हमारी कैंडल यहाँ पर सक्सेसफुली रिटेस्ट लेती है तो उसके बाद में हो सकता है कि आपको ENS के प्राइस में काफी अच्छा खासा बाउंस बैक देख मिले। तो इस तरह से फर्स्ट एंट्री आपको हमारे सपोर्ट जोन के अकॉर्डिंग, फिर फाइनली आपको DCA करना है हमारे ट्रेंड के अकॉर्डिंग। ओके गाइस, तो आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हो BNB के चार्ट को। दोस्तों इस टाइम पर हमने BNB का लाइव ओपन किया फुरफुर के चार्ट में। एग्जैक्टली BNB को हमारे यहाँ पर सपोर्ट जोन है 267 से लेकर 268 के पास में। तो अगर अभी आपको BNB के अंदर एंट्री बना के रखना है, तो दोस्तों आप यहाँ पर रिस्की एंट्री 267 से लेकर 268 के पास बना के रख सकते हो। उसके बाद में आपको DCA करना है 258 के पास में, क्योंकि अगर हमारा 267 वाला ये सपोर्ट जोन ब्रेक होता है, तो हो सकता है कि BNB का प्राइस आपको 258 के पास में जो मिले, क्योंकि आपको 258 के पास में हमारे पास सपोर्ट जोन दिखाई देगा। गाइस अगर हमारा BNB में कैंडल 267 वाले सपोर्ट जोन को ब्रेक करती है, तो उसके बाद में हो सकता है कि BNB का प्राइस आपको 258 के पास में मिले। तो इस तरह से वेरी स्मॉल अमाउंट में अभी आपको 267 के पास से बना के रखना है, उसके बाद में 258 के पास से आपको DCA करना है। जैसे कि दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हो सोलाना के चार्ट को। इस टाइम पर हमने सोलाना का लाइव ओपन किया फुरफुर के चार्ट में। एग्जैक्टली सोलाना को हमारा सपोर्ट जोन है 30.58 के पास में। तो अगर आपको यहाँ पर सोलाना के अंदर एंट्री बना के रखना है, तो गाइस आप यहाँ पर हमारे सपोर्ट जोन के अकॉर्डिंग ही एंट्री बना के रखना है। फिर भी अगर आप यहाँ पर सपोर्ट के अंदर एंट्री बना के रखते हो, तो आपको 31 के पास में फर्स्ट एंट्री बना के रखना है, उसके बाद में बिटकॉइन को फॉलो करते हुए आपको DCA करना है। लेकिन अगर आप यहाँ पर फ्यूचर के अंदर एंट्री बना के रखते हो, तो आपको फर्स्ट एंट्री 30.5 के पास में, 30.6 के पास में बना के रखना है। गाइस अगर आप यहाँ पर स्पॉट के अंदर एंट्री बनाते हो, तो आपको 31 के पास में एंट्री बना के रखना है। अगर फ्यूचर के अंदर एंट्री बना के रखते हो, तो आपको सेफ एंट्री बना के रखना है 30.6 के पास में, उसके बाद में बिटकॉइन को फॉलो करते हुए नीचे पार्ट में एंट्री बना के रखना है। ओके, तो आई थिंक आपको समझ में आ रहा हो। तो रियल में अगर आपको हमारा BTC का, BTC डोमिनेंस का, मेटिक का, XRP का, ENS का, BNB का प्राइस अच्छा लगा हो, तो दोस्तों अभी के भी इस वीडियो को लाइक करना। ओके, थैंक यू सो मच।